वेल दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का एक लाइफ टाइम फ्री बेस्ट क्रेडिट कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में वैसे तो आपको 3600 तरह के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, मोस्टली 10 टाइप्स के आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे और इसके साथ ही आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी मिल जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, पतंजलि ने और पंजाब नेशनल बैंक ने कोलोबरेट करके दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही एक आपको ईएमआई कार्ड मिल जाएगा। देखो, इनका पहले एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है। प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर आपको एक बेहतरीन फीचर के साथ एक लाइफ टाइम फ्री की फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरा आपको पीएनबी रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, और इसके साथ ही एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये एक रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड होने की वजह से इसमें आप यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यानी अपने क्रेडिट कार्ड से आप फोन पे गूगल पे को लिंक करके आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे वीजा क्लासिक हो गया, वीजा गोल्ड हो गया, इन पर 1000 रुपए के चार्जेस आपको चिपकाए जाते हैं। तो अगर आपको 1000 रुपए चार्जेस ही पेड करने हैं तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये कार्ड आपके लिए वर्थ इट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक देते हैं, जैसे SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड हो गया, HDFC बैंक का मिलीनिया क्रेडिट कार्ड हो गया। ये सब क्रेडिट कार्ड आपको बेहतरीन फीचर के साथ मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएनबी बैंक का आप एक लाइफ टाइम फ्री बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, कुछ अगर आपको सिलेक्टेड लाइफ टाइम फ्री और भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस क्रेडिट कार्ड को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक का एक लाइफ टाइम फ्री बेस्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं कि इनका क्रेडिट कार्ड का पेज है, यहाँ पर आपको अप्लाई कार्ड ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर देखिए अप्लाई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी, और यहीं से अपनी वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अप्लाई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे रिज्यूम एप्लीकेशन बोला जाएगा। अगर कार्ड अप्लाई करते टाइम किसी भी रीजन से आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहता है तो रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके दोबारा अपना फॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपसे पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर है तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर पहले से कस्टमर रहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी भी कंप्लीट नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसानी से आपका फॉर्म भी फिल हो जाता है। क्या होता है कि काफी डिटेल्स ये आपके अकाउंट से मैच कर लेता है। अगर कस्टमर नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर हम नो करेंगे और यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, नीचे यहाँ पर आपको नेम देना है एज पर पैन कार्ड आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स पर जो भी नाम रहता है वो नाम डालेंगे, नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा तो यहाँ पर कैलेंडर से आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, ये पर्सनल डिटेल्स फिल करके यहाँ पर आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड की, यहाँ पर एक्सेप्ट टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे एक्सेप्ट टू प्रोसीड करते हैं यहाँ पर आपको पहले टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर एक्सेप्ट टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, बैक रिफ्रेश प्रेस नहीं करना है। अब यहाँ पर जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है दोनों पर ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी फिल करने के बाद थोड़ा यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताया गया इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पिन कार्ड आपके साथ रखना चाहिए, लेटेस्ट ITR आपको अपने साथ रखना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने साथ रखना है लास्ट 6 मंथ का, और लास्ट 6 मंथ की आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप रखनी है। ITR लॉगिन क्रेडेंशियल ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, उसके बाद नहीं भी रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पर ऊपर आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑन पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड पर ये नाम है वही नाम का आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना है। यानी कि आने का मतलब ये है कि एज पर डॉक्यूमेंट से ही आपको यहाँ पर सारी चीजें फिल करनी है। तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, आई एग्री करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड लिंक वाले नंबर पर ओटीपी आ गया, यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे और यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे वैलिडेट कर देते हैं ओटीपी, यहाँ पर देखिए ITR लॉगिन पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ITR लॉगिन, यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स में अगर आपने कभी भी लॉगिन किया, अपना आईडी क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप ITR लॉगिन कर सकते हैं। देखिए ITR लॉगिन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड सेट किया होगा उसको सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इनकम प्रूफ अपना देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके ITR लॉगिन करने से ही आपका इनकम डिटेल्स ये फेस कर लेता है। तो यहाँ पर हम अपना ITR का पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
जिसे वेरीफाई कर देते हैं आरटीआर, यहाँ पर लॉगिन आपका फेस कर लेगा अगर आपका पासवर्ड और आपका पिन कार्ड नंबर सही रहता है तो। देखिए आप अगर आपका आरटीआर लॉगिन नहीं हो पाता है तो आप अपना मैन्युअली अपना आरटीआर कॉपी भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट एग्रीगेटर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अनुमति सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, एप्लीकेंट का डिटेल मिल जाएगा, मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, आपका टाइटल क्या है नीचे नाम आ जाएगा, नेम ऑन कार्ड, आप अपने कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं यहाँ पर आपको डाल देना है, जैसे यहाँ पर हम अपना नाम चाहते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ईमेल आईडी जाया जाएगी, मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है फिर मैरिड आपको डाल देना है, जेंडर आपका रहेगा, नीचे आएंगे पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर बाय डिफॉल्ट आपका ले लेगा, मदर्स मैडन नेम आपको यहाँ पर डालना है, शादी के पहले आपके माता जी का क्या नाम था यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद फादर्स नेम एज पर पिन कार्ड आपको डालना है। उसके बाद सेलेक्ट एजुकेशन मिल जाएगा, एजुकेशन आपका यहाँ पर डाल देना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे कम्युनिकेशन एड्रेस मिल जाएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आप देखेंगे फिल रहेगा, अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना, क्या होता है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहता है वही एड्रेस यहाँ पर आ जाता है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप टिक मार करेंगे और मैन्युअली आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इससे टिक मार्क हटा देंगे, मैन्युअली आपका एड्रेस फिल रहेगा। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आप गाँव से बिलोंग करते हैं और शहर में जाके जॉब करते हैं या फिर शहर में बिजनेस करते हैं, तो मैन्युअली आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें चेंज नहीं करना है तो हमने टिक मार्क नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। उसके बाद ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम डाल देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है आपका, यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन डाल दिया, जैसे यहाँ पर हम ऑनर चेक कर लेते हैं, ऑनर है क्या, ऑनर है, यहाँ पर हमने ऑनर डाल दिया क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के खुद ऑनर है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का आपको एड्रेस डाल देना है कि आप कहाँ से ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद ये एड्रेस फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और यहाँ पर लैंडमार्क डालेंगे, स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका स्टेट क्या है, स्टेट सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आप चेक करेंगे तो सिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर अपनी सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट करते ही नीचे यहाँ पर आपको पिन कोड मिल जाएंगे, तो जो भी जितने भी आपके एरिया पर पिन कोड रहते हैं पिन कोड आ जाएंगे और कस्टमर का टाइप आपको मिल जाएगा, कस्टमर का टाइप क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोफेशनल आपका रहेगा तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल डाल देंगे और नीचे यहाँ पर मिल जाएगा आर यू एसाइज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर सिंपली नो कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है ये क्रेडिट कार्ड के लिए सेव हो जाएगी, थोड़ा आपको वेट करना है, बैक रिफ्रेश प्रेस नहीं करना। यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए काफी सारे वेरियंट के क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पतंजलि रुपए क्रेडिट कार्ड आ गया, ऐसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पीएनबी ईएमटी क्रेडिट कार्ड आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलिनम क्रेडिट कार्ड आ गया, यहाँ पर देखेंगे रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड आ गया और यहाँ पर रुपए सेलेक्ट क्रेडिट, जितने भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपको दिखाए जाते हैं नीचे फीचर एंड बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे तो उस क्रेडिट कार्ड के नीचे यहाँ पर आप फीचर और बेनिफिट्स भी देख सकते हैं, अबाउट द कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस कार्ड का यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे ज्वाइनिंग फीस देख सकते हैं 500 है सेलेक्ट का। इसके साथ ही आप वीजा क्लासिक क्रेडिट कार्ड आप चेक करेंगे तो क्लासिक क्रेडिट कार्ड के क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वीजा गोल्ड क्रेडिट कार्ड के आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से आप वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की भी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर काफी पेरेंट के आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं और उन्हीं क्रेडिट कार्ड के नीचे फीचर एंड बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे तो फीचर और बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको हाईलाइट किए जाते हैं। आप पतंजलि क्रेडिट कार्ड पर क्या एक फीचर है कि जितना भी आप पतंजलि से शॉपिंग करेंगे 2% का आपको फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाएगा। पतंजलि स्टोर से आप शॉपिंग करेंगे और यहाँ पर जो आपका शॉपिंग का वो क्राइटेरिया बताया गया है कि 2500 से ऊपर का आपको शॉपिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एक बेहतरीन फीचर के साथ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो पंजाब नेशनल बैंक का रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, नो ज्वाइनिंग फीस नो एनुअल फीस, यानी कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई भी यहां पर चार्जेस नहीं लगेंगे, 300 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा फर्स्ट यूजर्स पर, उसके साथ ही एक्सक्लूसिव कैशबैक वगैरह आपको यहां पर दिए जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है, इस कार्ड को यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर नीचे आएंगे कन्फर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कन्फर्म एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर आपको फिल करनी है, नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। क्या होता है कि नॉमिनी की डिटेल्स तो ज्यादातर हम जब कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या फिर करंट अकाउंट या फिर लोन लेते हैं तब फाइल करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में भी क्यों फाइल करवाया जाता है ये चीज समझना है।
मान लीजिए ओवर आपने अपना मनी डिडक्ट कर दिया, ओवर पेमेंट कर दिया, तो क्या होता है कि नॉमिनी को जो आपका पेमेंट रहता है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पर नॉमिनी का सबसे पहले आप टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नॉमिनी का नाम आप डाल देंगे, नॉमिनी का नाम क्या है, उसके बगल में आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर रिलेशनशिप डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर से यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर पर क्लिक करेंगे, और ईयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले आप ऐसे ईयर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी का यहाँ पर ईयर ऐसे आ जाएगा, तो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर डेट पर क्लिक कर देंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस मिल जाएगा, नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है कि नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मैन्युअली अपना एड्रेस यानी नॉमिनी का एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, एड्रेस फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, उसके बाद लैंडमार्क, और यहाँ पर बगल में स्टेट मिल जाएगा तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करते ही सिटी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने सिटी का नाम डालेंगे, सिटी आ जाएगी बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर पिन कोड मिल जाएगा, आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट देयर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आपका नाम आ जाएगा और स्कैन कॉपी, यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखो यहाँ पर इनकम प्रूफ में आप यहाँ पर ITR दे सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप दे सकते हैं लास्ट 3 मंथ का, तो यहाँ पर हम ITR देंगे, जो भी ITR रिटर्न फाइल करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड लास्ट ईयर का जो भी आपका रहता है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 23-24 अभी 24-25 चल रहा है, तो 23-24 का यहाँ पर हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करके ओपन कर दिया और यहाँ पर हम अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ITR हमने फाइल किया है वो रिटर्न का यहाँ पर हमारा सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनकम प्रूफ सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसी तरीके से आपको बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का अपलोड करना है, तो यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां भी आपने इसको डाउनलोड करके रखा है उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब यहाँ पर देखो नीचे इनकम प्रूफ में यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है, यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जो इनकम प्रूफ में ITR आप यहाँ पर कॉपी देंगे, लास्ट 2 ईयर का देंगे और सैलरी में आप लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देंगे और स्टेटमेंट में आप लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट देंगे, देन यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है। उसके बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर 1 मिल जाता है और ऑफर प्रोविजनल क्रेडिट लिमिट देख सकते हैं, 1,10,000 की इंस्टेंट हमें क्रेडिट लिमिट देखने को मिल गई है। और यहाँ पर क्लिक हियर टू इनिशिएट वीडियो KYC पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी वीडियो KYC भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर अपने लैपटॉप या PC से एप्लीकेशन फिल करते हो, उसके बाद आपके PC से वीडियो KYC अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है और मोबाइल स्क्रीन पर आते ही यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट योर वीडियो KYC आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट योर वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट योर वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, एप्लीकेशन नंबर आप चेक करोगे आपके मैसेज पर रहता है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर देखो इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर क्लिक किया टू इनिशिएट वीडियो KYC, इस पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक किया टू ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो KYC पेज पर आप आ जाओगे और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपसे बताए जाएंगे, परमिशन आप अलाउ करेंगे, जितने भी परमिशन मांगता है सभी परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। और यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड अपने साथ रखना है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी वीडियो KYC कंप्लीट होगी। कॉल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अपनी सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद स्टार्ट कॉलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कनेक्टिंग प्लीज वेट, यहाँ पर आपसे वीडियो KYC एजेंट कनेक्ट होंगे और वीडियो KYC आपकी कम्प्लीट होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफिशियल यहाँ पर एजेंट कनेक्ट हो गए हैं। नीलमार गुप्ता, 34, सीधी पूरा एड्रेस बोल दे अपना। अमीरो हाउस नंबर क्या डाला है सर? 573 भाई। ठीक है सर, पिन कोड एक बार फिर से बता दे। 70 हाउस नंबर 572 थाना रोड gmail.com। ओके सर, आपने
जी हाँ मैडम। नेम क्या प्रिंट होगा कार्ड में? नीलेश। फादर मदर का नाम बताएं अपने? हनी गुप्ता। ओके सर, आपका आधार के लास्ट 2 डिजिट्स बोल दे। 3-2। ओके सर, आपका वीडियो केवाईसी यहां से पूरा हो गया है। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन पीएनबी। अब आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने साइट से। 4 आवर्स बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं पीएनबी के वेबसाइट में हुए आगे नंबर के थ्रू। बाकी आपको मैसेज आ जाएगा 5-6 दिन के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ ही देख सकते हैं कि वीडियो केवाईसी हमारी कंप्लीट हो गई, और वीडियो केवाईसी होने के बाद 3 वर्किंग डेज के अंदर जो इनका अपडेट होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाता है। जैसे आपका कार्ड अप्रूव होता है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर कार्ड आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो अगर दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अप्लाई करने से लेकर आपको वीडियो केवाईसी तक का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इंटर केयर।